नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। हम श्री गोकुल गौशाला के अंदर है। गौशालाओं का संचालन करना आज के समय में बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। गौशाला संचालन करने वाले जो लोग हैं वो भी इन गायों को जिंदा रखने के लिए और गौशाला का संचालन करने के लिए निर्भर होते हैं चैरिटी करने वाले लोगों पर। जो लोग दान करते हैं, आशाएं उन्हीं से रहती है कि ऐसे जो लोग हैं वो दान करें और उन दान के पैसों से गौशाला चल सके। लेकिन ये जो श्री गोकुल गौशाला है, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। वो कह रहे हैं कि गाय, संपूर्ण गाय जो है वो प्रोडक्टिव है। गाय का मूत्र वो एक प्रोडक्ट है, गाय का गोबर प्रोडक्ट है और वो उस दूध से कई गुना ज़्यादा लाभ दे सकता है। और इसका मॉडल यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। वो कैसे डेवलप हो रहा है इस वीडियो में आप पूरा आगे देखेंगे। यह है श्री गोकुल गौशाला, उदयपुर जिले की मावली तहसील के विजनवास गांव के समीप स्थित है। ये गौशाला आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आमतौर पर गौशालाएं दानदाताओं व सरकार के अनुदान पर निर्भर होती है, लेकिन श्री गोकुल गौशाला के संचालक मंडल के लोग ICICI फाउंडेशन के सहयोग से गायों के गोबर व मूत्र से आम लोगों के जीवन में काम में आने वाले प्रोडक्ट बनाकर गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ गोबर से दीपक, गमले, ईंटे व वर्मी कंपोस्ट जैसे कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही गौमूत्र के अर्क से गो फिनाइल तैयार कर बेची जा रही है। गौशाला की आय में वृद्धि कर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ICICI फाउंडेशन द्वारा दीपक, ईंटे, गमले तथा वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण देने सहित आवश्यक उपकरण भी मुहैया करवाए गए हैं। गोबर से यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है। उसके साथ ही हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है गोबर के दिए। बहुत ही कम लागत के अंदर ये हर सकता और हर व्यक्ति इसको बना सकता है घरों के अंदर, जो जो गाय पालन रखते हैं। इसके साथ दूसरा हमने गौमूत्र के अर्क से फिनाइल बनाई है। इसके साथ में हमारा चौथा प्रोजेक्ट है ईंट है, जो गोबर से ईंट बनाई, जैसे मकान बनाने के लिए ईंटों का उपयोग होता है, सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ में ये मकान को ठंडा भी रखती है और बहुत ही उपयोगी, किसी प्रकार की कोई जो छोटे छोटे कीटाणु दीवारों के अंदर आ जाते, इधर ही आ जाती, उस प्रकार का कोई है नहीं और बहुत सस्ती लागत बनती है। और इससे एक प्रेरणा मिलती है कि हर व्यक्ति गाय को रखना पालने की बहुत अच्छी कोशिश करेगा। गमला भी बनाया है हमने, हर व्यक्ति पेड़ पौधे लगा के अपने घर में रखे और किसी प्रकार का कोई पैसा लागत ज़्यादा नहीं है। ICICI फाउंडेशन को हमारे गौशाला से जोड़ने का जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो पशुपालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर है भूपेंद्र कुमार जी भारद्वाज साहब, जो वो हर 15 दिन में यहाँ आते, गौशाला की विजिट करते, हमारा मार्गदर्शन करते, ICICI फाउंडेशन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते कैसे गौशाला का विकास करना है। तो सबसे बड़ा सहयोग ICICI फाउंडेशन और भूपेंद्र जी भारद्वाज साहब है, ज्वाइंट डायरेक्टर पशुपालन विभाग के, उनका दोनों का पूरा सहयोग मिला है। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोबर को सुखाने के बाद इस मशीन में उसे पीसा जाता है। मेरा नाम पारुल है, मैं 2 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। गोबर लाते हैं, उसको सुखा के इस मशीन में हम पीसते हैं, उसका बूरा इसमें इकट्ठा करते हैं, सब बूरा निकलता है, उसको मशीन में मसाला पेस्ट। उसके बाद इस मशीन में गोबर के पाउडर व मुल्तानी मिट्टी सहित अन्य सामग्री का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार होने के बाद इस प्रकार से दीपक के संचय में तेल लगाकर उसमें मिश्रण भरकर इस उपकरण से प्रेशर लगाया जाता है और इस तरह से दीपक तैयार हो जाता है। इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है और सूख जाने के बाद इन पर कलर कर दिया जाता है। इस बार गोबर के दीपक की बड़ी मांग रही है। इन दिनों दीपक की डिमांड को देखते हुए दीपक ही बनाए जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट से भी गौशाला को आय होने लगी है। एक टीन शेड में बड़े टैंक बनाकर उनमें गोबर भरकर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और तैयार होने वाले वर्मी कंपोस्ट को पैकिंग करके बेचा जा रहा है। पहले तो हम सिर्फ गौशाला गायों के ऊपर और वो गोबर रोड़ी में डाल रहे थे। अब जो हमने शुरुआत की है ICICI फाउंडेशन की तरफ से, हमें ये बताया गया कि आपको ऐसे तैयार करना है और हम इसको लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की है और हम इसमें बना के और सेल करना हमने शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो गाय का जो गोबर होता है
उसको हम इसमें डाल के ठंडा करते हैं। 10 से 15 दिन उसको पानी डाल के और ठंडा किया जाता है। उसको ठंडा होने के बाद जैसे एक ट्रोली हमने ट्रैक्टर गोबर ले लिया, उसके बाद हम इसमें 5 से 6 किलो केंचुए जो होते हैं वो इसमें छोड़ देते हैं। केंचुए छोड़ने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और ठंडा करता रहते हैं। उसका जो जितना भी प्रोसेस होता है पूरा छाया में होता है, गर्मी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और लगभग 1.5 से 2 महीने में केंचुए उसको खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब वो खाते जाते हैं और नीचे उतरते जाते हैं, नीचे उतरते जाते हैं और ऊपर ऊपर से हम जो उसका जो बनता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं वो हम निकाल दे रहते हैं। कॉस्ट क्या आती है इसकी और फिर ये किस तरीके से बिकता है मार्केट में, क्या रेट में बिकता है, कौन लोग ले जाते हैं? सर ये हमारे जो हमारी जो कॉस्ट जो आ रही है बिल्कुल 1 से 2 रुपए के बीच हमारी इसकी कॉस्टिंग आ रही है और हम इसको सेल 8 से 10 रुपए में कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे गोबर से बने हुए प्रोडक्ट और अब यहाँ हम देखेंगे गौमूत्र के अर्क से जो है फिनाइल बनाया जा रहा है, घरों में पोछा लगाने में जो काम आता है। और यहाँ पर रतन जी हमारे साथ है जो बताएंगे ये पूरी प्रक्रिया के बारे में कि ये कैसे तैयार कर रहे हैं। जी सर, ये हमने क्या है कि अभी इनिशियल स्टेज में इसको हमने तैयार किया है, इसको हमने ये जुगाड़ बनाया है एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए। फर्स्ट में क्या करते हैं, हम इसमें मटके में आधा मटका भर के इसमें गौमूत्र डालते हैं, उसके बाद में ये पाइप सब जोड़ के फिर उसको अपना गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में ये जो पाइप आ रहा है बीच बीच में आ रहा है और ये यहाँ से हम पानी छोड़ते हैं और ये पाइप अंदर है और इस ये जो पाइप है उसमें से स्टीम बन के आएगी तो इस पाइप के अंदर ये ठंडा होगा स्टीम, और ठंडा होने के बाद में जो वाष्प है वो कन्वर्ट हो जाएगी अर्क के अंदर, इसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसे गड्ढे के अंदर हम इकट्ठा करते हैं। फिर क्या किया जाता है इसका अर्क का? अर्क का जैसे हम सर 2 लीटर अर्क लेते हैं और उसमें 14 लीटर जो है डिस्टिल वाटर मिलाते हैं, बाद में एक फिनाइल कंपाउंड आता है वो भी इसमें ऐड करते हैं। तो इस तरह से 2 लीटर अर्क से 17 लीटर हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है और एक इसमें मोगरा कंपाउंड मिलाया जाता है। इस तरह से हमें हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और फिर हम बोतलों में 1-1 लीटर की बोतल में भर के पैकिंग कर देते हैं। और ये जो हमारा देसी जुगाड़ है उस जुगाड़ को भी हम सोलर डिस्टिलेशन का जो प्लांट है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अभी हम एक्सपेरिमेंट के तौर में एक बार देख रहे हैं कि भाई किस तरह से हमारे गौमूत्र से हम अर्क बनाते हैं। ये आपके सामने है, उधर वाष्प बन रही और इधर ये गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है। ये इस वाली जो कोठी में इसमें क्या तैयार किया जा रहा है, क्यों तैयार किया जा रहा है, क्या काम आता है ये चीज़? ये सर अपशिष्ट अपघटक है, वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं, और इसको हम जो है इसमें एक कल्चर आता है वेस्ट डिकम्पोजर का जो इसको सड़ाने के लिए काम आता है। गाय भैंसों का गोबर अपन रोड़ी पे डालते हैं तो रोड़ी वो क्या है कि सड़ने में ज़्यादा टाइम लेती है, तो उस रोड़ी को अपन जल्दी सड़ाने के लिए ये अपने वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं, अपशिष्ट अपघटक जो तैयार करते हैं उसको हम काम में लेते हैं। इसमें हम एक डब्बी आती है वेस्ट डिकम्पोजर की वो मिलाते हैं, प्लस इसमें 3 किलो बेसन और 3 किलो गुड़ मिलाते हैं और थोड़ा मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या जो मिट्टी में बैक्टीरिया होंगे उसको हम बहुत हज़ारों करोड़ों की तादाद में मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ाते हैं। और इस अपशिष्ट अपघटक को जैसे अपन रोड़ी के ऊपर डालते हैं और रोड़ी पे डाल के पूरी पे और इसमें पानी ट्यूबवेल से किसी पाइप से पानी से उसको गीला कर देते हैं तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। जो 3 महीने में सड़ने वाला है वो 1 महीने में आपका गोबर जो भी अपशिष्ट है खेत का अपशिष्ट है वो सड़ सुड़ा के डिकम्पोज हो जाएगा। इसका ये फायदा है कि एक टाइम कम लगता है। वो क्या है उसमें वो भी बता। वो क्या है, हम जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत में क्या है, 3 किलो बेसन, 3 किलो गुड़ और 20 लीटर हम गाय का अपन पेशाब इसमें काम में लेते हैं और इसमें 200 लीटर में बाद में उसमें पानी भर देते हैं पूरा। ये कितने दिन में तैयार होता है? ये 7 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। तो फिर जैसे इरिगेशन चैनल होती खेत में अपन सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के टाइम में इरिगेशन चैनल में कोई ड्रम ले लेते हैं, उसमें टोंटी लगा देते हैं, जैसे ये ड्रम मान लो इसमें नीचे छेद करके एक प्लास्टिक का टोंटी लगा देते हैं और उस चैनल के जहाँ दौरा जा रहा है पानी का उस दौरे के ऊपर अपन रख देते हैं
तो पानी के साथ में इसको टोंटी चालू कर देते, पानी के साथ में जहाँ जहाँ क्यारी में पानी जाएगा तो ये पूरा पूरे खेत में अपन सिंचाई के साथ में इसको देते हैं। फसल में कलर अच्छा आएगा और जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुए हैं मिट्टी से तो पूरे खेत में हो जाएंगे, तो उसका एरेशन बढ़ेगा, कई तरह की प्रोसेस होगी, फसल का है उसका पैदावार बढ़ेगा। तो ये तो समझ में आया कि ये तो अपशिष्ट अपघटक है जी सर, और वो जीवामृत है। जीवामृत ठीक है, तो ये जो दोनों ही चीजें हैं इनका आपके गौशालाओं में क्या, यहाँ पर क्या उपयोग है इन दोनों चीजों का? गौशाला में सर हमारा ये कि हम प्रयास कर रहे हैं कि गायों से इनको जोड़ के हम चल रहे हैं, और हमारे पास में एक नेपियर घास का हमने प्लांट भी ये पूरा खेत लगाया है अभी, तो उसमें खेत में हम अप्लाई करेंगे और इसका हम अपने तौर पे इसका अपना रिजल्ट देखेंगे भाई इसका परिणाम क्या आ रहा है, फिर हम परिणाम अच्छा रहता है तो हम किसानों के लिए हम प्रमोट करेंगे कि भाई ये चीज़ आप काम में लो। गौशाला की गायों को पूरा पोषण मिले इसके लिए भी फाउंडेशन द्वारा गौशाला के कर्मचारियों को नए नए तरीके सुझाए जा रहे हैं। यहाँ अजोला घास का उत्पादन कर निर्धारित मात्रा में गायों को खिलाया जा रहा है। गौशाला की पथरीली जमीन को समतल कर उसमें नेफियर घास उगाई गई है। गायों को अच्छा पोषण मिले इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली घास का उत्पादन किया जा रहा है। ICIC फाउंडेशन की तरफ से जो मॉडल गौशाला का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने ये एक इंटरवेंशन किया है फोडर प्रोडक्शन में फीडिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें हमने सर ये अजोला का एक बेसिक यूनिट अभी शुरू किया है। अजोला को एक बाटे के साथ खिलाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। अजोला में हरे चारे की तुलना में 3 गुना प्रोटीन पाया जाता है, और ये जो प्रोटीन इसमें पाया जाता है ये जो भी दुधारू पशु उसको खाएगा उसके लिए ये फैट भी उसकी दूध में बढ़ेगी, और उसमें वो 20-25% इसमें दूध का उत्पादन उसका पशु का बढ़ेगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, प्लस इसमें जो मिनरल्स होते हैं जो पशु को ज़रूरत पड़ती है उनकी, उसके लिए हमने ये एक शुरुआती तौर पे एक प्रोडक्शन चालू किया है यूनिट का। इसको जो देने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको हम छलनी की सहायता से निकाल लें और इसको हम 2-3 बार पानी में धो के, और जो भी हम मिनरल मिक्सचर या फिर कोई भी अगर दलिया बाटा जो हम पशु को खिला रहे हैं उसमें इसको मिला के हम उसके दूध की मात्रा, दूध उत्पादन की मात्रा के अनुसार ये दिया जाता है। 1 किलो दूध उत्पादन पर इसको 100 ग्राम प्रति पशु दिया जाता है। गौशाला प्रबंधन में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये होता है कि गायों के खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था करना। गौशाला प्रबंधन हमेशा इस जुगाड़ में रहता है कि कहीं से कोई दान आए और फिर वो गायों के चारे के लिए, उनके पानी के लिए प्रबंध कर सके। लेकिन श्री गोकुल गौशाला जो है, यहाँ के प्रबंधकों ने यहाँ की गायों को पूरा पोषण देने के लिए और उन गायों को हष्ट पुष्ट रखने के लिए पहाड़ी को तोड़ा और यहाँ पर मिट्टी का भराव करके इसमें देसी खाद डाल के नेफियर घास हो गई है। गौशालाओं के पास अमूमन काफ़ी जमीनें होती है और उन ज़मीनों का उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग हरा चारा उगाते हैं, लेकिन अगर नेफियर घास को इस पद्धति से उगाया जाए और वो गायों को दिया जाए तो गौशाला की जो गायें हैं वो भी एकदम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो सकती है। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले जैसे ये रॉक लैंड है, तो हमने पहले इसको मतलब गौशाला प्रबंधन ने इसको पहले खेती के लायक बनाया है। इस पर इन्होंने मिट्टी डलवाई, मिट्टी डलवाने के बाद फिर हमने जैसे ही सीजन आया अभी बारिश का सीजन होने के बाद इसमें इन्होंने इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें गोबर का जो सड़ा गला खाद है उसका उपयोग किया। उसके बाद हमने फिर इसमें नेपियर ग्रास का जो प्लांटेशन किया है, ये प्लांटेशन हमने इसलिए किया है कि जो हमारा गौशाला प्रबंधन है वो बाहर से हरे चारे को परचेज करता है, बाहर से हरे चारे को खरीदता है। तो हमारा प्रयास ये है कि कैसे हम हरे चारे की जो लागत है बाहर से खरीदने की उसको कम करके यहीं पे गायों को हम पोषण प्राप्त करने के लिए हरी जो हरा चारा है उसको हम यहाँ पर उपलब्ध करवा पाएँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नेपियर का जो ये प्लांटेशन है, नेपियर ग्रास है, इसकी जो वेराइटी है ये सुपर नेपियर है, जो थाईलैंड वेराइटी हम बोलते हैं, और इसका जो प्लांटेशन है वो 2.5x2 फीट है। प्लांट टू प्लांट भी पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी भी 2.5 फीट है। और इसका हमारा जो उद्देश्य यही है कि जो गायों में, क्योंकि इसमें नेपियर जो ग्रास है इसमें जो इसका प्रोटीन प्रतिशत है वो 8-14% के बीच में है, जो कि हरे चारे की तुलना में लगभग 2 गुना है।
घायल व बीमार गायों के लिए अनुभवी पशु चिकित्सा सहायक भी नियुक्त कर रखा है, जिसके द्वारा बीमार व घायल गायों का उपचार किया जा रहा है। गौशाला द्वारा यहां पशु क्लिनिक शुरू करने की भी योजना है। मेरा नाम जितेंद्र सेन है, मैं गांव विजनवा से रहने वाला हूं और मैंने ये वेटनरी एलएसए ट्रेनिंग केवी के बड़गाम आईसीआईसी फाउंडेशन द्वारा कर रखी है और मैं यहाँ बीमार गायों का ट्रीटमेंट, जो भी गायें आती है वहाँ ट्रीटमेंट इलाज करता हूँ और यहाँ कृत्रिम गर्भाधान का भी प्रोग्राम इलाज कार्यक्रम कर रखा है। जो हमारे आईसीआईसी फाउंडेशन की तरफ से जो गौशाला में एक प्रपोज्ड क्लिनिक है, पशु क्लिनिक, पशु स्वास्थ्य क्लिनिक, तो उसमें हमारा जो उद्देश्य है उसको यहाँ स्थापित करने का वो ये है कि यहाँ पे जो भी दुर्घटनाग्रस्त गाय बाहर से आ रही है उनका हम सही तरीके से इलाज करें। दूसरा ये है कि आसपास इस गौशाला के आसपास के जो भी गांव हैं उन गांव के किसान या पशुपालक भाई यहाँ पे आके अपने जानवरों का उचित दरों पे उनका इलाज या और इलाज से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी काम है वो यहाँ करवा सकते हैं। तो अगर बाहर के जो आसपास के गाँव के किसान भाई पशुपालक यहाँ आएंगे तो उससे गौशाला को थोड़ा आय अर्जन का जो साधन है वो एक सही सटीक हो जाएगा। इस गौशाला की स्थापना हमने सन 2000 में करी थी और हम युवा स्टूडेंट ने मिलकर इस कार्य सेवा कार्य को चालू किया था। तो मन में एक भावना थी कि सड़क दुर्घटना में जो घायल गाय हो जाए इसका क्या किया जा सकता है, तो छोटे लेवल पे हमने इस गायों को सड़क से उठा करके लाना, हॉस्पिटल ले जाना, इलाज करना प्रारंभ किया। और उसके बाद हमारे एक मित्र है, उनके सहयोग से सन 2016 के अंदर ज़मीन हमें गौशाला के लिए दी गई और प्रशासन के जन सहयोग से हमने यहाँ काफ़ी कार्य कराया है रखने के लिए। इस गौशाला के अंदर केवल सड़क दुर्घटना गायों को लाया जाता है जिनका इलाज किया जाता है और स्वस्थ होने के बाद पुनः उनको धीरे धीरे बाहर छोड़ा जाता है। यदि जो गंभीर रूप से घायल होती है उनको हम यहीं रख के उसका इलाज करते हैं और आर्थिक रूप से हम जनता से भी अपील करते हैं कि भाई हमारे यहाँ आवश्यकता चाहिए बीमार गायों के लिए। तो कुछ दानदाताओं ने यहाँ एक एम्बुलेंस भी हमने जो लॉन्च करी है वो जन सहयोग से करी है, विधायक सांसद मन से भी फंड मिला है, यहाँ पे हमने जो निर्माण कार्य कराया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस गौशाला के अंदर सभी बीमार गायें, दुधारू गाय कोई भी नहीं है। हमारे सेवा कार्यों को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से 2 बार हमें 26 जनवरी पे सर्वश्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड उदयपुर का मिला है। आत्मनिर्भर बनने का ख्याल कैसे आया, कैसे सपोर्ट मिला? सर, जब से हमने मतलब गायों को रखना चालू किया, हम प्रशासन के जिला अधिकारियों से कई बार हमने मीटिंग करी, सहयोग मांगा। सरकार द्वारा जो अनुदान मिलता है वो 6 से 8 महीनों में मिलता है, पर गाय पे 40 रुपया, जबकि एक गाय का वजन 250-300 किलो होता है, 40 रुपये में किसी गाय का गुजारा नहीं चल सकता है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गायों को कैसे खिलाया जाए। इस संदर्भ में धीरे धीरे हमने ICC फाउंडेशन के अधिकारियों और मेंबर से हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने हमें बताया यदि आप अनुदान के ऊपर चलोगे तो गौशाला आगे नहीं बढ़ सकती और अधिक से अधिक गाय आपके यहाँ दूसरे लोग छोड़ जाते एक्सीडेंट है, तो क्या खिलाओगे, कैसे करोगे? तो ICC के अधिकारी और मेंबर्स ने हमें बताया कि आप इंडियन प्रोडक्ट पर काम करोगे तो आपके 38 रुपये आप गौशाला मजबूत हो जाएगी और भविष्य में आप खुद एक आर्थिक रूप से मजबूत होकर आगे और बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हो। आप जिन व्यक्तियों को रोजगार देते हैं तो इससे रोजगार का माध्यम खुल रहा है। एक गौशाला के अंदर कम से कम 8 से 10 एम्प्लॉयज़ को रोजगार मिलता है, उनका घर परिवार चलता है। तो इससे क्या है कि कितनी भी अधिक से अधिक गौशाला खुलेगी भारतवर्ष के अंदर, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा।